हेलो गेमर्स, कैसे आप सभी लोग आई हो, आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि आप फ्री फायर के एडवांस सर्वर को ओपन कैसे कर सकते हो और उसका जो एक्टिवेशन कोड होता है उसको भी कैसे, मतलब किसी भी बिना तकलीफ के कैसे पा सकते हो। तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाली है। तो कैसे अभी फ्री फायर जो इंडिया में बैन है तो उसकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, अपन रजिस्टर नहीं कर पा रहे ना अपन वो एक्टिवेशन कोड ले पा रहे। तो हमारी इस वीडियो में जिसे आप फुल लेंथ तक देखोगे तो आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बस मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपको जाके इसको ओपन करना है। मैं भी ओपन कर लेता हूँ उस लिंक को, इसमें ओपन कर रहा हूँ, आपको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद बस आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है छोटा सा, नीचे आने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। इसके नीचे जो एड आया है एड, इस एड को आपको वॉच करना है, जाके इस पर क्लिक करना है। सब क्लिक करोगे वो जिस तरह की आपको वेबसाइट पे ले जाता है, आपको कुछ छिड़का नहीं करनी है, बस 5 सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको वापस बैक कर देना है और डाउनलोड का ऑप्शन है उसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा लिखा हुआ ओपन इन प्ले स्टोर है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, आपको जो वेबसाइट डाउनलोड करने का कर रहा है एप्लीकेशन उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं डाउनलोड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन करूँगा तो कैसे आपसे यहाँ तो परमिशन मांगेगा, पहली बार ओपन करूँगी तो कैसे आपको परमिशन दे देनी है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है बता देता हूँ, वैसे मेरे को एक्टिवेशन कोड मिल चुका है पहले से। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्री फायर एडवांस सर्वर, ठीक है। आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्री फायर एडवांस सर्वर सबसे पहले लिंक, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी मेरे को देख सकते हैं जो है मेरे को एक्टिवेशन कोड जो है वो मिल चुका है। अब कैसे मिला मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे देख सकते हो मेरे को कैसे मिला मैं बताता हूँ। एक गाइस मेरे को पहले मिल चुका था, मैं उसका क्लियर डेटा करके आता हूँ सबसे पहले, तो जो मैं आपको बता सकूँ। और इसका क्लियर डेटा कर दिया मैंने, तो गाइस इसका क्लियर डेटा हो चुका है। इस ब्राउज़र को मैं वापस ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है थोड़ा, तो उसको ओपन नहीं करते। तो गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना देख सकते हो। गाइस अगर आप पहली बार करोगे तो आपसे ऐसा होगा, परमिशन भी मांगेगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। देख सकते हो गाइस अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको अलाउ करना होगा या कब तक कंटिन्यू करना होगा, ठीक है गाइस। ये करने के बाद बस इतनी सी दो अलाउ परमिशन देनी है आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्री फायर एडवांस सर्वर, फ्री फायर एडवांस सर्वर सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे आप जैसे सर्च करूँगा फ्री फायर एडवांस सर्वर सबसे पहले लिंक आएगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी देख सकते हो अभी अपन इंडिया सर्वर में है, लॉगिन की जो है प्रोसेस वो नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ब्राउजर है उसका आइकन आपको नीचे बना आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, यहाँ पे लैंग्वेज नाम की एक ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट होगा, यहाँ से इंग्लिश हटा के आपको कहाँ पर सिलेक्ट करने में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इसको, ये ब्राज़ील लिखा रहा है, ब्राज़ील पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको वापस ओपन करना है ब्राउज़र को, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप उस ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो आप खुद उस फ्री फायर के एडवांस वाली वेबसाइट पे चल जाओगे और देख सकते हो गाइस यहाँ पे खुद लॉगिन हो चुका है। वो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 3 लाइन दिख रही है आपको, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ आपको लॉगिन करने का बोलेगा। आप जिस आईडी से फ्री फायर खेलते हो उस आईडी से लॉगिन कर लो। मैं खेलता हूँ गूगल से, मैं आता हूँ गूगल से लॉगिन करके। तो बस जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया है, लॉगिन हो रहा है, वो बस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं है। जैसे कि अभी मेरा जो डायरेक्ट आ गया है वो मेरे को अपना जो एक्टिवेशन कोड है वो मेरे को दिखा रहा है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। एक मिनट आपको और वेट करना होगा। जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाइस ये मैं फेसबुक से करके दिखा देता हूँ। मैं फेसबुक आप जैसे क्लिक करोगे, आपकी जिसकी आईडी आपको गूगल से करना है तो गूगल से करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बस आपके सामने कुछ जिस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप एक ईमेल तो भी मांगेगा, तो आपको ईमेल डालनी है, ठीक है गाइस। वो ईमेल आपको किस डालनी है, इसी के आप डाल रहे हो, मैं डाल के बता देता हूँ। ये
गेमिंग मैंने लिखा, मैंने आप क्या करा पूरा लिखा नहीं यहाँ पे, वो मेरा सर्च में आ गया था पहले से, वो मैंने उसे कॉपी करके डाल दिया ऐसे आ गया यहाँ पे। यहाँ तो करूँगा तो गैस कभी कभार आपके नहीं होता, अगर नहीं हो कभी कभार गैस तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपको ना पूरी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने हाथों से लिखनी है उस अपनी ईमेल आईडी को, तो आपका हो जाएगा ठीक है गैस। तो गैस ये तो आपको एक्टिवेशन कोड मिल चुका है, और गैस आपको एक दो दिन में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है। और जाके ये एक्टिवेशन कोड है, जब अपन फ्री फायर ओपन करेंगे एक्टिवेशन कोड मांगेगा, जब ये एक्टिवेशन कोड डाल देना है तो बस आपका फ्री फायर जो एडवांस सर्वर है वो चालू हो जाएगा। तो बस आपको वीडियो कैसी लगी हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी यूजफुल हो आपके लिए, बस ये लाइक करके चल जाना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।